पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में मतगणना से चंद घंटे पहले सपा के सभी स्थानीय नेताओं ने एकजुट होकर डीएम और एसएसपी से मुलाकात की। सपा नेताओं ने डीएम से मांग की है कि मतगणना पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हो, एक राउंड की गिनती पूरी होने के बाद ही उसके अगले राउंड की ईवीएम खोली जाए। दोनों अधिकारियों ने सपा नेताओं को निष्पक्ष मतगणना का भरोसा दिलाया है। इस बीच अखिलेश यादव ने कांटे के मुकाबले वाली सीटों पर अपने सीनियर नेताओं को काउंटिंग प्रभारी बनाकर भेजा है। ये दोनों पूर्व मंत्री मतगणना के दौरान खुद को आवंटित जिलों में मतगणना स्थल के पास मौजूद रहेंगे, किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में स्थानीय प्रशासन से बात करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सपा के मुरादाबाद जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने बताया कि सपा के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी मानवेंद्र सिंह और एसएसपी हेमराज मीणा से मुलाकात की है। दोनों अधिकारियों से निष्पक्ष मतगणना के लिए कहा है। मांग की है कि एक राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद ही उसके अगले राउंड की ईवीएम खोली जाए। सपा के प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री महबूब अली मुरादाबाद से सपा के प्रत्याशी रुचि वीरा, संभल से सपा के प्रत्याशी और कुंदर के विधायक जियाउर रहमान बर्ग, बिलारी विधायक फहीम, ठाकुरद्वारा के विधायक नवाब जान, मुरादाबाद देहात के विधायक नासिर कुरैशी, संभल के सपा जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी, पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खां और विजयवीर सिंह यादव शामिल थे। पहले भी मिली थी दो दिन के बाद और आज भी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मिला है, हम सब लोग साथ में मिले हैं और अपने हम लोगों ने यही बात रखी है कि भाई ये निष्पक्ष हो, हमारे साथ लोगों के साथ में कोई भी मतलब द्वेष ना हो, हमारे लोग सब काउंटिंग में रहेंगे। और अपने लोगों से भी, अपने एजेंट से, अपने कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि आप जो हमारा फोकस होना चाहिए वो हमारा काउंटिंग पे होना चाहिए, वो शुरू से आखिर तक अपनी टेबल पे मजबूती से रहे, जो जिसको काम सौंपा गया है उस काम को बखूबी बिल्कुल आखिर तक रहे, तो ये मैं उम्मीद करती हूँ। और बहुत अच्छी खबरें हैं हमारे सीट की भी, हमारे आसपास की सीट की भी और प्रदेश की बहुत अच्छी खबरें हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छी तादाद में इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी और हम लोग सरकार में। ऐसा क्योंकि जैसे अभी मंत्री जी ने भी कहा कि आदमी जो मेहनत की है, जो हमारे मतदाताओं ने, हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने वोट डाले हैं, तो भाई उसकी रखवाली करना, वोट की गिनती सही से हो जाए, तो ये तो हर एक कोई चाहता है, हर कैंडिडेट चाहता है, उसमें अनुचित क्या है। ये तो भाई सब चाहते हैं कि जो हमारा वोट डाला है वो सही सलामत गिना जाए और उसके जो परिणाम, जो आवाज चारों तरफ से बहुत अच्छी आ रही है, वो मतलब उसके अच्छे नतीजे आए। मैम, कहीं ना कहीं मानना है कि एग्जिट पोल देखकर आज बता रहे हैं कि जो प्रत्याशी है, जो और जनता को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये बौखलाहट दूसरे पक्ष की नजर आ रही है एनडीए की, कि वो इस तरह का एग्जिट पोल जनता के सामने परोस रहे हैं जिससे कि जनता उनके एक तरह से मतलब उसमें आ जाए, दबाव में आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। ये चुनाव आखिरी चरण का पूर्ण होने के बाद अगले दिन मीडिया के माध्यम से के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, जो कि भ्रामक है और हम पुनः कहना चाहते हैं कि भ्रामक प्रचार मीडिया के माध्यम से जो फैलाया गया है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, हौसले के साथ जाए और काउंटिंग कराए, साथ ही लेकर जश्न मनाए, घर पर आकर पहुंचा रहे। नहीं देखिए, ऐसा है कि हम अस्वस्थ हैं कि जिस तरह से संबंधित अधिकारियों से वार्ता हुई है कि गड़बड़ी यहाँ ना हो पाएगी, जब वोट है तो हमारा जो निष्पक्ष सिर्फ काउंटिंग कराने के लिए हमने कहा है, उसके लिए आश्वस्त किया है। कार्यकर्ताओं से हमारा कहना है कि शांति बनाए रखिए, किसी भी कीमत पर ऐसा कोई काम नहीं करे जिसमें कि लाइन ऑर्डर व्यवस्थित हो और मतलब जीत के बाद का जश्न शांति और मोहब्बत के साथ और बिल्कुल सद्भाव को ध्यान में रखते हुए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर ही अपना क्या आश्वासन दिया जी, आश्वासन क्या दिया अधिकारियों,
ये आश्वासन अधिकारियों ने ये सारी बातें आपको बतानी है क्या? जितना बात करने हमने कहा, हमने आपसे बता दिया कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।